तो फाइनली जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 आ चुका है और ट्रेलर से लेकर फर्स्ट एपिसोड तक सबने यही सोचा होगा कि ये एनिमेशन ऐसी क्यों लग रही है। कहां गया हमारा डैशिंग दिखने वाला गोजो? इस सीजन में ये थोड़ा सा कार्टूनी क्यों दिख रहा है? तो देखो, दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन है कि जो सीजन 1 में डायरेक्टर थे सुंगू पार्क या जो भी उनका प्रोनाउंसिएशन है नाम का, उन्हें रिप्लेस किया है शोटो गो। ओके, तो नाम है शोटो गोजोनो, ये नए डायरेक्टर है सीजन 2 में। और तभी लोग सोचेंगे कि डायरेक्टर ही तो चेंज हुआ है तो उसमें एनिमेशन क्यों चेंज हुआ। देखो, हर डायरेक्टर्स की खुद की क्वालिटीज होती हैं, हर कैरेक्टर्स की डिजाइनिंग से लेकर उसके एनिमेशन तक। जैसे कि पहले डायरेक्टर को देखते हैं सुंगू पार्क, जिनकी एनिमेशन अगर देखोगे तो शार्प क्रिस्प पर ब्यूटीफुल लगती हैं। वैसे ही अगर शोटा गोजोनो को देखेंगे जो कि दूसरे डायरेक्टर है, तो उनका स्टाइल फ्लूइड है, उनकी एनिमेशन का बनाना और दिखाना दोनों स्मूथ है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों में गलतियां और अच्छी चीजें दोनों दिखेंगी। पर ये बात तो हुई डायरेक्टर्स की, अब दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि जुजुत्सु काइसेन को बनाने वाली कंपनी है मापा। हाँ, इनका नाम तुम सबने सुना होगा। इन्होंने बनाई है अटैक ऑन टाइटन, चेनसॉ मैन, हेल्स पैराडाइज, विनलैंड सागा एंड मोर, जिनमें तुम देखोगे कि एनिमेशन तो टॉप क्लास रहती है, पर जो एनिमेट इन्हें करते हैं उन्हें ओवर टाइम करना पड़ जाता है। तो इन्होंने क्वांटिटी ओवर क्वालिटी करके एनिमेशन की डिटेलिंग को थोड़ा सा घटा दिया है, तो ये टाइम पर अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सके। तो यही दो रीजंस हैं जिसमें एक में डायरेक्टर्स चेंज हुए हैं और दूसरे में इन्होंने क्वालिटी थोड़ी सी घटा दी है कि ये लोग अपना कंप्लीट कर पाए प्रोजेक्ट्स। और इसके आगे तो कोई रीजन है नहीं मेरे पास, तो बस जितना था उतना था। तो बस इसी के साथ जितना मुझे पता था उतना मैंने बता दिया। अगर कुछ और अपडेट्स आएगी तो शायद मैं बता दूँ या शायद नहीं।